दोस्तों वर्चुअल आईडी क्या है, वीआईडी। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, कि जो हम लोग कोई भी योजना होती है, सरकारी बैंक या कुछ भी हो, सभी जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। तो हमारे क्या होता है, हमारा आधार कार्ड डेटा पहुंच जाता है उनके पास। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था कि आपको आधार कार्ड नहीं बताना होगा, उसकी जगह एक आईडी बतानी होगी जो कि 16 अंकों की होगी। बस आपको वो आईडी जैसे आप बताएंगे तो आधार कार्ड का काम वो सेम करेगी। तो ये होती है वीआईडी। तो आज हम वही बात करेंगे कि वीआईडी कैसे आपको जनरेट करना है, कैसी क्या उसका प्रोसीजर, कैसा वो दिखेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार, और मैं हूं पवन झाकड़, और आप देख रहे हैं हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो वहाँ भी एक रेड कलर का बटन आता है और एक बेल आइकन आता है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और इसमें आपको हमेशा लेटेस्ट एंड अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं कि वीआईडी कैसे जनरेट करना है। तो उसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा uidi.gov.in की वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आधार सर्विसेज पर अगर आप जैसे नीचे आते हैं तो आता है वर्चुअल आईडी जनरेटर, वीआईडी जनरेटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है, और इसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पे डालना है। तो चलो मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ, और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालने के बाद अब मैं ओटीपी भी डाल लेता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अपना ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पर देखिए आता है जनरेट वीआईडी एंड रिट्रीव वीआईडी। तो आपको पहली बार जनरेट कर रहे हैं तो जनरेट पर करना होगा, अगर आप भूल गए हैं तो इसका रिट्रीव पर क्लिक करना, बट मुझे करना है जनरेट, तो मैं जनरेट आईडी पर क्लिक करूँगा और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीआईडी नंबर सक्सेसफुल जनरेटेड एंड स्टूडेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपका वीआईडी नंबर जनरेट हो चुका है, जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा गया, जो आपको दिख रहा होगा मैंने हाइड कर रखा है दोस्तों। और सारी चीज़ें बस ऐसे आपका आता 16 डिजिट का होता है। ये आप अपने आधार कार्ड नंबर की जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं, वैलिड है। तो ऐसे आपको जनरेट करना है वीआईडी नंबर अगर कहीं भी आपको जरूरत पड़े। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।